बिहार में पकड़ुआ यानी जबरिया शादी का एक और मामला सामने आया है। जबरिया शादी का हर्ष दर्दनाक है। जिस लड़के की शादी जबरदस्ती करा दी गई, उसने जहर खा लिया। जिंदगी और मौत के बीच भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। मामला अमरपुर थाना इलाके के भरको कटहरा इलाके की है। अस्पताल में भर्ती जबरिया शादी के शिकार शिवनंदन ठाकुर के भाई अजय ठाकुर बताते हैं कि लड़का को लड़की पसंद नहीं थी। लड़की गोरियासी शाहकुंड की रहने वाली है। जब घटना की जानकारी हुई तो शिवनंदन के पिता बिंदेश्वरी ठाकुर समाज के कुछ परिजन को लेकर गोरियासी गांव लड़की बालों के घर पहुंचे। उन लोगों को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया गया। लड़की के पिता पप्पू ठाकुर का कहना है कि जब लड़का स्वस्थ होकर लौटेगा तभी उसके गार्जियन को छोड़ा जाएगा। फिलहाल मामला पुलिस थाने तक नहीं पहुंचा है। लड़के के परिजन इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल में है, लेकिन जबरिया शादी का जो दर्द है उसे आप देख और समझ सकते हैं। जबरदस्ती शादी करवा दिया और सब कुछ जबरदस्ती शादी करवा के जो है ना, एक लड़की पसंद है, सूर्यवंश कह रहा लड़की पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे उससे, फिर भी जोर जबरदस्ती शादी करवा दिया। आज पापा इसको डराया धमकाया, पापा सब गया है, उसको पापा सबको किडनैप करके रख लिया उसने। हमारे गांव के गया है तो अभी पापा भी मेरा उसी लड़की के पापा ने किडनैप करके रखा। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों से लगातार पूछताछ की, जिसमें पता चला कि आपसे विवाद को लेकर विकास मंडल ने गोली चलाई थी। इसमें राजीव मंगल और उसके पुत्र आयुष कुमार को गोली लग गई थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इधर पुलिस ने परिजनों के फर्द बयान के आधार पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त सहित 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल से पुलिस ने खोखा बरामद किया है। परसों सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में हुए डबल मर्डर मामले में इसका खुलासा किया गया है। इसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त विकास मंडल, पिता स्वर्गीय किशुनदेव मंडल, रवि कुमार पिता विकास मंडल, ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ इसके एक विधि विरुद्ध बालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक खोखा भी बरामद किया गया है। और ये पूरे हत्याकांड में जो मामला निकल के आया है, यह मामला जो संदिग्ध छेड़खानी से संबंधित मामला है, जिसके द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा जो पीड़िता है, जो मृतक है, उनकी पत्नी के पे जो है छेड़खानी का ये मामला आ रहा था, जो FIR के अकॉर्डिंग है, और आसपास के लोगों द्वारा भी यह बताया गया है। अब पूर्व में भी इनके ऊपर 2 बार ये जेल जा चुके हैं, तो आपराधिक इतिहास भी रहा है। और यह गिरफ्तारी भागलपुर शहर से की गई है, संदिग्ध मामला बताया गया है, FIR के अकॉर्डिंग भी यह चीज़ निकल के आ रहा है। लेकिन क्या ये मामला दोनों तरफ से था कि एक तरफ से था, तो इस पर हम लोग, हाँ, तो ये चीज़ चल रहा था इसमें, तो इस अब ये मामला निकल के आया है। और इसका विरोध करने पे जो है अभियुक्त के द्वारा इसमें जो गोली मारी गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति की हत्या हो गई थी। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र की CTS रोड में शुक्रवार की देर रात साले ने अपने बनोई को चाकू से हमला कर फरार हो गया। वही जख्मी बनोई को पुलिस ने नाथनगर रेफर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जख्मी बनोई की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के बिस्पुरिया गांव के निवासी कृष्णदेव कुमार सिंह के रूप में हुई है। कृष्णदेव प्राइवेट शिक्षक के रूप में हजारी साल लेन में रहकर ट्यूशन पढ़ाता है। वही जख्मी का भाजा अमरेश कुमार ने बताया कि कृष्णदेव कुमार सिंह की शादी 2016 में भागलपुर के खंजरपुर में हुई थी, जिसके बाद से पारिवारिक विवाद होने के बाद मामला में चल रहा था। पत्नी को छोड़कर नाथनगर के हजारी साल लेन स्थित एक लॉज में रहकर ट्यूशन पढ़ाते थे, जिसको लेकर कृष्णदेव कुमार की साला ने जान मारने की धमकी दी थी। कृष्णदेव सिंह टहलने के लिए नाथनगर के CTS चर्च मैदान गया हुआ था। जब काफी समय होने के बाद वापस नहीं लौटा तो कृष्णदेव सिंह के भांजे ने बाइक से खोजबीन के लिए चर्च मैदान पहुंचा तो देखा कि उसका मामा लहूलुहान बेहोश पड़ा हुआ है। आन-फान उसे नाथनगर के रेफर अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नाथनगर थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। आरोपियों ने प्राइवेट शिक्षक कृष्णदेव कुमार सिंह को चाकू से मारकर गला, सीना और हाथ सहित 4-5 जगह जख्मी कर दिया है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महमदाबाद मोहल्ले की रहने वाले अजय शर्मा के घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल सका। घटना की सूचना मिलने पर करीब आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से मोहल्ले में कुछ देर के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद पंकज गुप्ता भी पहुंचे। उन्होंने तुरंत स्थानीय थाना और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में कामयाब रही। अरे घर में हम जाए छे काम करे चल गए, लाइट बढ़लो चले, ताला घर में बंद चले, अब कैसे आगिन लगले, लाइने से लग गए, पूरा सब जरी गए, टोटल सामान जरी गए। हाँ 5,000 रुपया चले। मालूम नहीं सर सुबह हम निकले, अब कैसे लगा नहीं लगा क्या जाने, हम तो काम करने मजदूर आदमी है, नहीं कमाएंगे खाएंगे कौन चीज। आते को हमको फोन करके बोलता है कि आपके घर में आग लग गई है, तब हम दौड़ के आए, आते आते देखते सब चीज जल के खा कर टोटल चीज नहीं आते, खाए तो कुछ नहीं बचलो छे हैवे कि ये समझ में नहीं आवे। भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा 2 साल पहले लगभग 65 भूमिहीन लोगों को अपना आशियाना बनाने का पर्चा दिया था, लेकिन आज तक भूमिहीन लोग अपना आशियाना नहीं बना पाए, मजबूरन भूमिहीन सड़कों पर रहने को मजबूर है। इसको लेकर लगातार राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के द्वारा भागलपुर आयुक्त से लेकर जिलाधिकारी तक आवेदन दिया गया। इसी आवेदन के तहत जिले के वरीय पदाधिकारी ने आदेश भी दे डाला। इसके बावजूद जगदीशपुर प्रखंड के जिलाधिकारी के द्वारा आज तक भूमिहीन लोगों को जमीन मुहैया नहीं कराया गया है। इसको लेकर शंकर प्रसाद गुप्ता लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा, जब भी अंचल अधिकारी से मिलने आते हैं तो उनसे भेंट ही नहीं हो पाती, और जब भेंट हो जाता है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि कार्यालय के बड़ा बाबू से संपर्क कर लीजिए, और जब बड़ा बाबू से संपर्क करते हैं तो टाल मटोल रवैया इनके द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद जब अंचल अधिकारी को जिले के वरीय पदाधिकारी का आदेश दिखाते हैं तो साफ तौर पर कह देते हैं कि जिसको आवेदन देना है दीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंकर प्रसाद गुप्ता ने यह भी कह दिया कि यदि सोमवार तक अंचलाधिकारी द्वारा चिन्हित जमीन की मापी नहीं कराई जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक लोगों को अपनी भूमि जिला प्रशासन दिला पाता है। अभी बोले मैडम को कि मैडम हम लोग का काम करवा दीजिए, बोला होगा देखा जाएगा। तो हम बोले कि डीएम साहब के यहाँ के आदेश आया हुआ है, कमिश्नर साहब का आदेश आया हुआ है, एडीएम साहब 4 बार आदेश दिए हैं सर कि गरीब जिसको पर्चा मिला है उसको बसा दिया जाए, जो बचा हुआ है 27 आदमी उसको तुरंत बिल पर्चा बना के दिया जाए। और मैडम का कहना हुआ जो करना है वो कीजिए, ऐसे डीएम आर कमिश्नर आर एसडीओ जो है ना एडीएम देते रहता है चिट्ठी, उससे क्या होगा, मालिक हम ना हैं, हम ना करेंगे। तो सोमवार से मंगल तक भयंकर जुलूस होगा सर, इसके लिए कुछ भी हो जाए हम लोग अपना जान दे देंगे, क्या करेंगे। हम लोग भूमिहीन है, जहाँ पर रोड किनारे बसे हुए हैं वहाँ सर तोड़ने जाता है, बुलडोजर लगा कर तोड़ता है, तो हम लोग को हटना पड़ता है, अधिक्रमण करके हम लोग रह रहे हैं। जब सरकार मुहैया करवा दिया है जमीन सर, तो हम लोग को बसा दिया जाए, इसमें क्या करना, नापी करना, अमीन को आदेश दिया हुआ है, अमीन को बुला करके नापी करवा दे बस, और तो कोई टेंशन ही नहीं है, केवल नापी कराना है। जबकि सीओ साहब बोले थे कि नापी करवा के इंदिरा आवास भी आप लोग को दिलवा देंगे, वीडियो साहब सीओ साहब दोनों। और उसके बाद देखिए सर दौड़ते दौड़ते साल हो गया, पर्चा दिया हुआ हमको लगता है 6-7 महीना हो गया सर।
राधा रानी प्रोडक्शन हाउस भागलपुर की बैनर तले 9 जून को मिस्टर मिस चाइल्ड और मिस परफेक्ट भागलपुर का ग्रैंड फिनाले शहर के वी गार्डन मैरिज हॉल में होगा। इसमें भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री तिरसा मधुकर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। इस कार्यक्रम को लेकर शहर के जंगली जंक्शन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें कार्यक्रम के संचालक चंदन कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कराने का मुख्य मकसद है कि शहर के साथ ग्रामीण प्रवेश के बच्चे बच्चियां भी इस तरह के आयोजन में शिरकत कर सके। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे बैनर के तले आगे भी होता रहेगा। प्रेस वार्ता में पटना से आए मॉडल अमन आयुष्मान, कोलकाता से आई मॉडल खुशी मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। पिछले साल राधा रानी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले मिस्टर एंड मिस परफेक्ट भागलपुर सीजन 1 हुआ था। तो अभी हमने एक महीने पहले भी एक ऑडिशन लिया था और जनवरी में भी एक ऑडिशन लिया था। तो उससे जो हमारे बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं उनका एक कल ग्रैंड फिनाले है जो 9 जून को रखा गया है, जिसमें हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट भोजपुरी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु जी आ रही हैं। हम ये है कि हमारा जैसे कुछ बच्चे जितने पार्टिसिपेट किए हैं वो मॉडलिंग में, वो अपना रैंप वॉक करेंगे, जजेज उनको जज करेंगे, उनको मार्क्स देंगे, देन उनका विनर अनाउंसमेंट होगा। और हमारी मैम जो आ रही हैं तो वो उनका एक पर्सनली एक लाइव परफॉर्मेंस है जो कि भागलपुर की जनता के लिए है और वो पहली बार भागलपुर में आ रही हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि भागलपुर की जनता उन्हें बहुत अच्छे से इनवाइट करे, वेलकम करे हमारे भागलपुर में, कि वो भी आएँ तो उनको लगे कि हाँ भागलपुर आने का मुझे वेलकम अच्छे तरीके से मिला।